हेलो एवरीवन वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आरजो कक्कड़ वेयर वी कवर डेली करंट अफेयर्स विद यू सो इन दिस सेशन विल हैव अ लुक ओवर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एसोसिएटेड हैं टेंथ ऑफ अप्रैल से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सिंपली स्टार्ट करेंगे सेशन को और ये रहा आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन्स पर क्वेश्चन क्या कहता है देखो नेशनल मिशन है फॉर कल्चरल मैपिंग इससे एसोसिएटेड दो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहली स्टेटमेंट कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया था इट वॉज लॉन्च बाई कल्चर मिनिस्ट्री टू डेवलप अ कॉम्प्रीहेंसिव डेटाबेस ऑफ आर्ट फॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री बिल्कुल सही बोला 2017 में इट वॉज लॉन्च बिल्कुल सही बोला दोनों ही स्टेटमेंट्स इसकी करेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दैट इज रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है नेशनल मिशन मिशन है फॉर कल्चरल मैपिंग तो बेसिकली क्या है जो आपका रूरल इंडिया है उसमें देखो कल्चरल हेरिटेज अलग अलग है यूनिक है तो उसको हार्नेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज़ आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मोर देन वन लैक विलेजेस अक्रॉस द कंट्री और अच्छे से जानते हैं ये जो एक्सरसाइज है ना पूरी इट इज़ बीइंग कैरिड आउट अंडर मेरा गांव मेरी धरोहर दैट इज़ माय विलेज माय हेरिटेज प्रोग्राम ऑफ नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है जो कल्चरल एसेट्स जो आर्ट रिपोजिटरीज हैं अलग अलग विलेजेस के अलग अलग कुछ यूनिक बातें हैं आर्ट एक्सप्रेशन कहीं का क्राफ्ट कहीं की विजडम uh, ट्रेडिशन देखो हर एक का एक कल्चर तो है ना जो अपने आप में अलग है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कोई टेक्सटाइल सेक्टर में फेमस होगा किसी का कोई कल्चरल एक्सपेक्ट फेमस है राइट right? कोई माइथोलॉजिकल uh, इवेंट से कनेक्टेड है सो so, वो सब कुछ विलेज को कैटेगराइज़ किया जाएगा उस हिसाब से इन टू सेवन टू एट कैटेगरीज बेस्ड ऑन जैसे कि मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इन्फॉर्मेशन जो है विद इन दैट कम्युनिटी वो सर्वे से प्रॉपर क्या होगा वो भी अभी बताती हूँ सर्वे होगा यहाँ पे सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिचुअल सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ आर्टिस्ट क्राफ्ट मैन विद इन द कम्युनिटी इज ऑल्सो ऑफ रेलिवेंस उसको नोट किया जाएगा ड्यूरिंग दी कल्चरल मैपिंग तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है वेयर सिटीजनस आर इन्वाल्वड इन शेयरिंग वट मेक्स देयर विलेज ब्लॉक और या फिर डिस्ट्रिक्ट यूनिक तो सर्वे होगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द कॉमन सर्विस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट प्लान्स टू कवर कितने विलेजेस 6.5 लाख विलेजेस इन द कंट्री एंड क्रिएट स्पेशल फिल्म्स ऑन 6500 विलेज क्लस्टर्स शोकेसिंग देयर यूनिक हेरिटेज जैसे कि इसका बहुत सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जैसे आपको थोड़ा पता चलेगा जैसे कोई भी विलेज ले लो बिश्नोई विलेज इन राजस्थान इज़ अ केस स्टडी फॉर लिविंग इन हारमोनी विद द नेचर रानी विलेज जो है इट इज़ फेमस फॉर चिपको मूवमेंट तो अलग अलग विलेजेस का अपना अपना कैटेगरी वाइज देखोगे तो दे आर यूनिक इन इट सेल्फ राइट कोई फेमस है फॉर जल सत्याग्रह साइट दैट इज़ वेरी फेमस इन मध्य प्रदेश कौन सी है वो आप बताना राइट right? तो ऐसे करके कैटेगरी वाइज कैटेगरीज हैं ऑफ़ विलेजेस सेवन टू एट कैटेगरीज और फिर कैटेगरी वाइज जो भी उस पर्टिकुलर विलेज की यूनिकनेस है वो बताई जाएगी और सर्वे होगा और एक डाटा जो है वो क्रिएट किया जाएगा ठीक है अगला सवाल है मियावाकी मेथड से एसोसिएटेड उसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है करेक्ट वन मियावाकी मेथड बेसिकली इन्वॉल्व करता है प्लांटिंग टू टू फोर टाइप्स ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज विद इन एवरी स्क्वायर मीटर और ये एक मेथड है ईफॉरेस्ट्रेशन का जिसको डेवलप किया गया है बाय जर्मन बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर क्या होता है प्लांटेशन होती है ए फॉरेस्ट्रेशन का मेथड है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मतलब टू तो टू तो फोर तो टाइप्स तो तो ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज़ को विद इन द स्क्वायर मीटर एवरी स्क्वायर मीटर प्लांट किया जाता है लेकिन इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय जर्मन बॉटनिस्ट अकीरा रामयावा की इट इज बाय जैपनीज बॉटनिस्ट तो इसीलिए स्टेटमेंट टू हो गई गलत तो आंसर क्या बचा स्टेटमेंट ए दैट इज़ फर्स्ट ओनली ये ना एक ए फॉरेस्ट्रेशन का मेथड है जिसके अंदर क्या होता है ना कि जो प्लांट्स हैं ना उनको बहुत ही क्लोजली आप बोल सकते हो एक सेम एरिया में सेव करो स्पेस को भी और बहुत पास पास जो है प्लांट्स को ग्रो किया जाता है राइट सो दिस मेथड इंक्लूड्स प्लांटिंग द ट्रीज एज क्लोज एज पॉसिबल इन द सेम एरिया विच विल नॉट ओनली सेव द स्पेस बट साथ ही साथ जो प्लांटेड सेप्लिंग्स हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट से ग्रोथ ग्रो करेंगी एंड ये जो अप्रोच है इससे प्लांट ग्रोथ होती है टेन टाइम्स फास्टर और साथ ही साथ डेंसिटी जो है दैट इज आल्सो थर्टी टाइम्स मोर डेंसर जो रिजल्टिंग प्लांटेशन होगा वैसे यूजुअली फॉरेस्ट ग्रो करो मतलब फॉरेस्ट इन द सेंस कन्वेंशनल मेथड से टू क्रिएट अ फॉरेस्ट 200 से 300 साल लग जाते हैं मियाँवा की मेथड हेल्थ टू क्रिएट फॉरेस्ट इन 20 टू 30 इयर्स। जैपनीज बॉटनिस्ट हैं इट इज अ मैथड ऑफ़ एफोरेस्टेशन डेवलप्ड बाई प्रोफेसर अखीरा मियावा की जापनीज बॉटनिस्ट दो से फोर टाइप्स ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज विद इन एवरी स्क्वायर मीटर दे इन्वॉल्व ट्रीज बिकम सेल्फ सस्टेनेबल इस मेथड से एंड दे ग्रो टू देर फुल पोटेंशियल फुल लेंथ और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने फास्टर और कितने डेंसर जो हैं वो होते हैं टेन टाइम्स फास्टर थर्टी टाइम्स मोर डेंसर राइट तो यह है मियावा की मैथड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एम्स टू कंजर्व हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स सिक्स फाइव सेवन या फिर फोर आंसर इज़ सेवन ऑप्शन सी तो ये अभी रिसेंटली इसको लॉन्च बेसिकली इसका हो गया है लेकिन जब ये प्रपोज था तब तो हमने इसको बहुत अच्छे से मार्च के मंथ में कवर कर लिया था तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि किसी भी चीज़ को ये मत सोचा करो कि आ, लिंक नहीं है किसी भी चीज़ का जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो ना वो भी कहीं ना कहीं दोबारा से न्यूज़ में आएगा ही सही पर कुछ प्रपोज हुआ है और वापस से कुछ लॉन्च हो गया है राइट right? तो वो भी इंपॉर्टेंट है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर तो सेवन बिग कैट स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एंड इसका एम है टू कंजर्व सेवन स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स टाइगर लॉयंस स्नो लेपर्ड जैगवार चीता लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड तो जो आपसे सेवन स्पीशीज है ना अगर उनका भी नाम पूछा जाए कौन कौन सी सेवन स्पीशीज हैं तो वो भी बता देना क्योंकि वहां से सवाल बिल्कुल बन सकता है ठीक है जी चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर ये रहा आपका एक सवाल जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा वो सोच लो और फिर हम इसको कवर करते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वट इज़ रेकून स्टिलर विच वॉज सीन इन न्यूज़ तो अगर आप सोच रहे हो कुछ की मालवेयर है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो इट इज़ अ मालवेयर एंड इट वॉज इन न्यूज़ क्यों था वो भी आपको बताऊंगी क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आई स्टीलिंग मालवेयर दैट इज़ यूजली डिलीवर्ड थ्रू ई मेल नोन है नोन एज रेक स्टिलर वॉज यूज टू टारगेट एट सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज राइट एंड इट वॉज इन्फॉर्म बाय एन इंटेलिजेंस एजेंसी सबको पता है मालवेयर क्या होता है जिनको नहीं पता बता देती हूँ मालवेयर बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जो यूज़ करी जाती है फॉर वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ हॉस्टाइल या इंक्लूसिव सॉफ्टवेयर जैसे वायरस हो जाता है ट्रोजन फोर्स और वॉम्स कंप्यूटर के रिगार्डिंग बता रही हूँ रैनसमवेयर राइट तो मालवेयर एक ऐसा प्रोग्राम दैट इज़ हार्मफुल टू द कंप्यूटर यूजर एंड इट इज़ डिप्लॉयड विद द मोलेशियस इंटेंट यहाँ पर इट इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल गॉड और आपका जो इट विल इंक्लूड मतलब अगर दीज मालेशियस प्रोग्राम्स दे कैन परफॉर्म ऐसे ऐसे फंक्शन जैसे कि आपका सेंसिटिव डेटा डिलीट होना इनक्रिप्टिंग स्टीलिंग हाई जेकिंग राइट तो यहाँ पर इसीलिए ये न्यूज़ में था एंड रेकोन स्टीलर ये एक मालवेयर है दैट स्टील्स वेरियस डेटा फ्रॉम द इन्फेक्टेड कंप्यूटर देखो जैसे आप एकदम से कुकीज एक्सेप्ट कर लेते हो आपकी जो लॉग इन डेटा है वो सेव करते हो आप आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव करते हो तो यहाँ पर ये जो डेटा टारगेट ये जो है इन केस ऑफ ब्राउजर्स टारगेटेड डेटा इंक्लूड्स यही सब चीजें क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स के केस में ऑब्वियसली टारगेटेड डेटा इंक्लूड्स पब्लिक कीज प्राइवेट कीज तो इससे इट कैन कंडक्ट हार्मफुल एक्टिविटीज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट होगा राइट सो इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर विद साइबर क्रिमिनल्स टिपिकली यूज टू गेन दी सेंसिटिव डेटा इसीलिए अवेयर रहना चाहिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट होता है टेंथ ऑफ अप्रैल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और थीम याद में रख लेना वन हेल्थ वन फैमिली डेट और थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस डेटा रिलीज बाय द प्राइम मिनिस्टर द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज रीच्ड डैश इन 2022 तो चार ऑप्शन हैं आपके पास और इसका आंसर है थ्री वन सिक्स सेवन थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट याद में रखना फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री और करेंटली कितने टाइगर रिज़र्व हैं फिफ्टी थ्री टाइगर रिज़र्व हैं इंडिया के अंदर तो ये भी आपको पता होना चाहिए और सेशन को लाइक ज़रूर करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलो यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका कंटेंट मैं आपके लिए रखती हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें सीधा सीधा रख देते हैं ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो राइट अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है जो चीज़ जहाँ पर जहाँ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है कि ये चीज़ न्यूज में भी क्यों थी मैं वो भी कर देती हूँ राइट right? अब रही बात जैसे ये एक्सरसाइज कवच है इट इन्वॉल्व्स एसेट्स ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड ऑल ऑफ द अबव आंसर इज ऑल ऑफ द अबव डी और वैसे इंडियन नेवी भी इंक्लूडेड है यहाँ ऑप्शन में मेंशन नहीं है बट सब कुछ बताना है आर्मी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी एक्सरसाइज कवच जो है इट इज़ कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ अंडेमान एंड निकोबार कमांड दैट इज दी ओनली ज्वाइंट फोर्स कमांड इन द कंट्री ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है दैट इन्वॉल्व एसेट्स ऑफ आर्मी नेवी कोस्ट गार्ड एयरफोर्स और यहाँ पर ये है ताकि आप आ, अपनी जो ऑपरेशनल्स एनर्जी है जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं उसको एनहेंस कर सको ठीक है इतना मोर देन इनफ है अब अगला सवाल है आपके लिए ये जल्दी से इस सवाल को पढ़ो और जवाब दो आप इसकी जो वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर टू बी इनोग्रेटेड कहाँ पर उत्तर प्रदेश में आंसर इज सी जिसको क्या बोला जाएगा द सेंटर नेम जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज स्प्रेड ओवर 1.5 पॉइंट फाइव हेक्टर्स एंड इज डिज़ाइंड टू मेंटेन अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज तो हम वल्चर की बहुत बात पहले भी कर चुके हैं ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर जो कि ओपन हो रहा है उत्तर प्रदेश में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये आप याद में रख लेना ठीक है चलिए इसका सवाल का जवाब तो आपके सामने है फिर भी एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लो ताकि क्लियर हो जाए चलिए लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज एम टू इंश्योर टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मार्केटिंग प्रोड्यूस बिल्कुल इंग्लैंड फिशरी यस, कंजम्पन एक्सपेंडिचर बिल्कुल तो स्टेटमेंट जो जितने भी हैं सारी करेक्ट हैं तो आंसर इज डी मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का टू मीट दी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर दी कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, सब कुछ जो है आ, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम यह सब ऑब्जेक्टिव कवर करता है आपके लिए होमवर्क है ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी लॉन्च ईयर बताना और ये भी बताना सेशन कैसे लग रहे हैं आपको ठीक है दोनों चीज़ें बता देना अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपनी वॉज अवार्डेड दी बेस्ट प्रोडक्शन या फिर प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस एट वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 भारत बायोटेक मतलब आगे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि आंसर इज ऑप्शन ए भारत बायोटेक इज द वन दैट अचीव दी अवार्ड वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस ट्वेंटी में अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुई तो वॉशिंगटन यूएसए तो ये आप याद में रख लेना ठीक है तो यहाँ पर आपका ये सेशन होता है कंप्लीट इस उम्मीद के साथ कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल तीन चीज़ें होती हैं कर दिया करो अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करो शेयर करो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करो वो भी दिल से चलो इसी के साथ मिलेंगे फिर अगले सेशन के अंदर टेल देन टेक केयर एवरी